बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्टर मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने क़याद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अप्लाई करना है, अप्लाई किया है जिन्होंने और जिन्होंने एडमिशन लेना है, स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपसे जो है वो अपडेट शेयर करूँगा जो है वो आप किस तरह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट में फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है और किस में नहीं होती, इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो फी है वो ट्रांसफर करने का प्रोसेस किया, तमाम डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने क़याद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में BS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, स्टूडेंट्स आपकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने सेल्फ पे अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेल्फ पे एडमिशन हो जाता है और उसके बाद आपने साथ में ओपन मेरिट पे भी अप्लाई किया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने सेल्फ फाइनेंस पे अगर आपका पहले नाम आ जाते हैं और आप फी पे कर देते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ओपन मेरिट पे नाम आ जाता है तो क्या आप फी ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके हवाले से स्टूडेंट पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने फी जो है वो पे कर दी है, अगर आपका नाम पहले जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे आया था और बाद में अगर आपका नाम ओपन मेरिट पे आ गया तो स्टूडेंट जी हाँ आप अपनी फी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप ये रूल जो है वो इसके लिए तो लागू है, सेल्फ फाइनेंस से ओपन मेरिट में फी ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन अगर आपने सेल्फ पे अप्लाई किया था और सेल्फ पे आपका नाम आ गया, आपने फी पे कर दी, उसके बाद अगर आपका किसी दूसरे डिपार्टमेंट में सेल्फ फाइनेंस पे ही सेल्फ बेसिस पे ही नाम आ जाता है तो क्या आप अपनी फी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सेल्फ टू सेल्फ फी ट्रांसफर नहीं होती। जस्ट जिन स्टूडेंट्स ने सेल्फ पे एडमिशन लिया होगा अगर उनका ओपन मेरिट पे नाम आ जाता है रेगुलर पे तो वो फी ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी सेल्फ से सेल्फ में जो फी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स अगर आपने रेगुलर ओपन मेरिट पे एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था उसमें आपका नाम आ गया और उसमें आपने फी पे कर दी, उसके बाद किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपका ओपन मेरिट पे ही नाम आ जाता है तो क्या आप दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी फी जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये भी सवाल स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ओपन मेरिट पे फी पे कर दी एक बार और दूसरे डिपार्टमेंट में आपका ओपन मेरिट पे ही नाम आ गया तो स्टूडेंट्स आप अपनी फी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स पॉलिसी है क़याद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की BS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है सारी डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है, इसके हवाले से अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सिस्टम में पूछ सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट ने सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लिया था जिनका नाम आ गया और उसके बाद वो ओपन मेरिट पे नाम आ जाता है तो स्टूडेंट्स आप अपनी फी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, आपको जिस डिपार्टमेंट में पहले आपका नाम आया होगा उस डिपार्टमेंट में जाकर पहले एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद आपने वो आपकी फी जो है वो ट्रांसफर कर देंगे आपके सेकंड डिपार्टमेंट में ओपन मेरिट वाले, आपकी जो फी है वो सेल्फ फाइनेंस वाले आपके जो ओपन मेरिट वाले डिपार्टमेंट है उधर आपकी फी जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इमिग्रेशन पॉलिसी है क़याद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की BS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। इसके हवाले से अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।